अध्याय 10। तीन ठग और ब्राह्मण। दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए, इससे अपना ही नुकसान होता है। क्या सच और क्या झूठ, इसका विचार अपने मन में करना चाहिए। आओ देखें ठगों ने ब्राह्मण को कैसे मूर्ख बनाया। एक ब्राह्मण को कहीं से दान में एक बकरी मिली। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। वो बकरी की रस्सी पकड़े जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में तीन ठगों ने उसे आते हुए देखा। उन्होंने आपस में सलाह बनाई कि पंडित जी से बकरी हथियाई जाए। बस तीनों उसी रास्ते पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर खड़े हो गए। पंडित जी जब पहले ठग के करीब पहुँचे तो वह बोला, अरे पंडित जी, ये कुत्ता कहाँ लिए जा रहे हैं? है कुत्ता? उन्होंने फौरन पीछे देखा और बोले, अरे मूर्ख, ये बकरी है। ठग हंस पड़ा। पंडित जी उसे बुरा भला कहकर आगे चल दिए और दूसरे ठग के करीब पहुँचे। दूसरे ठग ने राम राम की, फिर बोला, अरे पंडित जी, आज ये बिलाव कहाँ से ले आए? पंडित जी ने चौंक कर पीछे देखा, बकरी थी। उन्हें उस ठग की बात सुनकर क्रोध आ गया कि साधारण सा व्यक्ति उन जैसे ज्ञानी को मूर्ख बना रहा है। क्रोध पूर्ण लहजे में वे बोले, अरे तू पागल है क्या, बकरी को बिलाव कहता है? पंडित जी, पागल तो आप हैं, ये तो साफ साफ बिलाव दिखाई दे रहा है। इसके पैने नाखून देखिए, बड़े बड़े दांत देखिए, और आंखें, ओ कितनी पीली और डरावनी है। कहकर वो डरता हुआ वहाँ से भाग खड़ा हुआ। पंडित जी को बकरी बकरी ही दिखाई दे रही थी, मगर जिस ढंग से दूसरे ठग ने कहा था उसे लेकर वो शंकित हो उठे। क्या कारण है, पहला आदमी इसे कुत्ता कह रहा था, दूसरा आदमी बिलाव बता रहा है, कहीं ये कोई मायावी जीव तो नहीं? ये सोचते सोचते वे तीसरे ठग के करीब जा पहुँचे। उसने भी राम राम के बाद कहा, पंडित जी, ये गधे का बच्चा कहाँ लिए जा रहे हैं? गधा? अब तो पंडित जी के हलक से चीख निकल पड़ी। वे बुरी तरह डर गए कि ये अवश्य ही कोई मायावी है जो रूप बदल रहा है। वे फौरन उसकी रस्सी छोड़कर भाग खड़े हुए। तब तीनों ठगों ने बकरी को पकड़ लिया और हंसते हुए बोले, कैसा पागल बनाया। किसी ने सच ही कहा है कि दूसरों की बातों में आकर अपने आत्मविश्वास को नहीं डोलने देना चाहिए। काम बिगाड़ने के लिए शत्रु सच को झूठ और झूठ को सच कहते हैं, ताकि व्यक्ति परेशान हो जाए और उनका काम बन जाए।